गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है इन पर बेस्ड। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इफ ए इक्वल टू 3 5 3 5 minus 2 0 4 minus 6 4 minus 6 verify that 2A transpose equal होगा टू टाइम्स ऑफ A transpose। आपको A मैट्रिक्स गिवन है जो कि 3 by 2 ऑर्डर का है, आपको बताना है 2 times of A, देन उसका क्या निकालना है ट्रांसपोज निकालना है, इक्वल होगा 2 times of transpose of A के। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है, LHS सॉल्व करेंगे ना, तो LHS इसमें क्या निकालना है 2 times of A निकालना है, फिर उसके बाद क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो हम पहले क्या निकाल ले रहे हैं 2A निकाल रहे हैं। 2A मीन्स क्या, इस A मैट्रिक्स में हमें क्या करना पड़ेगा हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6 5 2 10 -4 0 8 -12 हो जाएगा 2A। अब हमें क्या निकालना है 2A का ट्रांसपोज निकालना है। दिस इंप्लाइज 2A ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 6 10, सेकेंड रो हमारा क्या बन जाएगा सेकेंड कॉलम -4 0, और थर्ड रो हमारा क्या बनेगा थर्ड कॉलम 8 -12। ये हमारा 2 times of A का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें क्या निकालना है 2A ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, A का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा ना। चलिए निकालते हैं, हमारे पास A मैट्रिक्स ये रहा और इसका ट्रांसपोज निकालना। तो फर्स्ट रो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो हमारा क्या बनेगा थर्ड कॉलम बनेगा। अब हमें इसमें 2 times of A का ट्रांसपोज चाहिए, दैट मींस क्या, इस A के ट्रांसपोज में हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 6 -4 4 2 8 5 2 10 0 into 2 0 and 6 into -6 into 2 -12 हमारे पास मिलेगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, क्योंकि 6 -4 8 6 -4 8 10 0 -12 10 0 -12, therefore 2 times of A का ट्रांसपोज इक्वल होगा 2 times of A ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था, नोट कर ले। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलिए हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ पी इक्वल टू आपको दे रखा है 3 2 -1 3 2 -1 -5 0 -5 0 -6 एंड क्यू इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स दे रखा है, एंड क्यू इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -4 -5 -2 3 1 8 3 1 8। ठीक है, आपको इसमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज बराबर होगा पी का ट्रांसपोज प्लस क्यू के ट्रांसपोज के इक्वल। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी प्लस क्यू फाइंड करना पड़ेगा, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग,
पी प्लस क्यू फाइंड आउट करना है। तो पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का सब करना है, दैट मीन्स थ्री प्लस ऑफ माइनस फोर तो माइनस वन हो जाएगा, टू प्लस ऑफ माइनस फाइव दैट मीन्स माइनस थ्री, माइनस वन प्लस ऑफ माइनस टू तो माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस ऑफ थ्री माइनस टू, जीरो प्लस वन वन, माइनस सिक्स प्लस में एट दैट मीन्स टू। ये p प्लस क्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना था, p प्लस क्यू का ट्रांसपोज निकालना था, p प्लस क्यू का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। चलिए तो इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना है ना, तो फर्स्ट रो हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में माइनस वन माइनस थ्री माइनस थ्री, सेकेंड रो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में माइनस टू वन और टू। चलिए एलएचएस सॉल्व हो गया। एलएचएस हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी का ट्रांसपोज प्लस क्यू का ट्रांसपोज, दैट मीन्स क्या, ट्रांसपोज ऑफ पी फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में थ्री टू माइनस वन, सेकेंड रो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में पी का ट्रांसपोज आ गया। फिर फाइंड करना था क्या, क्यू का ट्रांसपोज, क्यू का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में थ्री वन एट, ये हमारा क्यू का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, पी का ट्रांसपोज प्लस क्यू का ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज ये रहा, इसमें ऐड कर देना है किसके, क्यू के ट्रांसपोज, दैट मीन्स माइनस फोर माइनस फाइव माइनस टू थ्री वन एट, इसको ऐड करना है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा क्या हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस फोर माइनस वन, माइनस फाइव प्लस में थ्री माइनस टू, टू प्लस माइनस ऑफ फाइव माइनस थ्री, जीरो प्लस वन वन, माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री, माइनस सिक्स और प्लस एट दैट मीन्स टू। तो देखिए ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स और ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का इक्वल है, इक्वल है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, दिस इज सैटिस्फाइड। नोट कर लीजिए, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम कह रहा है, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसका एलिमेंट है फोर वन फाइव एट, फोर वन फाइव एट, तो सॉर्ट एड करना है, सॉर्ट एड क्या करना है आपको, सॉर्ट एड करिए ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या करना है, सॉर्ट एड करना है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हमें गिवन देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो पता है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए ना, तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, फोर वन फाइव एट। अब क्या फाइंड करना है, देयरफॉर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है फोर फाइव वन एट, प्लस करेंगे इसमें फोर फाइव वन एट को, तो जो ऑप्टेन मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, फोर फोर एट फाइव वन सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स, एट प्लस एट सिक्सटीन, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप देख रहे होंगे जो हमारा ये एलिमेंट होना चाहिए था नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए था टू बाई टू ऑर्डर के लिए, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, या फिर ये ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का जो आया है आपका ऑप्टेन मैट्रिक्स उसको आप क्या कर दीजिए फिर से
ट्रांसपोज कर दीजिए, वो क्या इस मैट्रिक्स से बराबर नहीं आता है, उस चीज को चेक करना था। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, 8 6 6 16। देखिए ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, इस तरीके से भी चेक कर सकते थे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एलिमेंट दे रखा है इसका 0 ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। एक ए मैट्रिक्स गिवन है तो आपको सॉर्ट आउट क्या करना है, जो ये है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, आपको क्या सॉर्ट आउट करना है, जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये हमारा क्या है, एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एसक्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता था, अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। तो अब क्या करिए, जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज नहीं करिए, उसका ट्रांसपोज नहीं करता है, इसका फर्स्ट रो किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो किसमें चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम में। अब ये जो मैट्रिक्स आया क्या वो माइनस ऑफ ए के बराबर है, देखिए यहाँ पर जीरो है, ये एलिमेंट जीरो, ये प्लस ए है, तो ये क्या आ रहा है, माइनस ए, अपोजिट साइन आ रहा है, माइनस ए हो रहा है, ये प्लस बी माइनस बी, यहाँ माइनस ए, ये प्लस बी, जीरो जीरो माइनस सी, तो प्लस सी माइनस बी, प्लस बी माइनस सी प्लस सी, और ये जीरो ये जीरो। और इसका कंडीशन भी क्या था, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था, पहला तो ये हो गया, ठीक है ना, उस तरीके से चेक कर सकते। दूसरा क्या था कंडीशन, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए था, जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो दिख रहा था, और जो ये एलिमेंट इंटरचेंज हो रहा था वो सेम होना चाहिए था, पर अपोजिट इन साइन, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए, सेम होना चाहिए था, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज होता है ट्रांसपोज करने के बाद, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए दोनों क्या होना चाहिए था, अपोजिट इन साइन होना चाहिए था। तो गिवन मैट्रिक्स ए क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स ए को 2 3 -1 4, ए मैट्रिक्स हमारे गिवन है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के टर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो जो हमारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फोर्थ वन प्रॉपर्टीज बताए थे क्या था, कोई भी मैट्रिक्स ए होगा उसे हम सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के सम के टर्म में लिख सकते हैं, और उसे किस तरह लिखा जाएगा, वो होगा यहां पर लिख लेते हैं, वी नो डेट ए इक्वल टू, हम लिख सकते थे 1/2 times ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 times ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के अनुसार ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा,
और ये हमारा क्या होगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर को हम इस टर्म में लिख सकते थे, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी हम 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम में 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स पर क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का, तो इसके बाद हम वो क्वेश्चन भी कर देंगे। तो ए स्क्वायर को हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए तो गिवन मैट्रिक्स है तो हमें निकालना क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2, 3, -1, 4। ठीक है, फर्स्ट रो किसमें चेंज हो गया फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो किसमें चेंज हो गया सेकेंड कॉलम में, तो ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए हमारा क्या है 2, -1, 3, 4 है, प्लस करना पड़ेगा क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आ चुका है हमारा 2, 3, -1, 4। ये किसके बराबर हो जाएगा 2 + 2, 4, 3 + 1, 2, -1 + 3 तो 2, 4 + 4, 8। ठीक है, अब इसी में हमें क्या निकाला था 1/2 टाइम्स ऑफ दिस ना, दिस इंप्लाइज 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहां से इसमें क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एलिमेंट में करें तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, 1 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये पार्ट तो आ गया हमारा, ये आ रहा है, अब ये पार्ट सॉल्व करना है, तो अब हमें लाना है ए माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ए हमारा कितना है 2, 3, -1, 4, इसमें क्या करना है माइनस कर देना है किसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, डेट मीन 2, 3, -1 और 4 को इसके बराबर हो जाएगा 2 - 2, 0, 3 - 1 डेट मीन 4, -1, -3 डेट मीन -4, 4 - 4, 0। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0, 2, -2 और 0 ये मैट्रिक्स है। तो यहां से आप लोग क्या कर लीजिए, इस मैट्रिक्स को पी मान लीजिए और इस मैट्रिक्स को क्या मान लीजिए क्यू मान लीजिए। ठीक है, जो ऑब्टेंड मैट्रिक्स आया है दिस, इसको हम क्या मान ले रहे हैं P, और ये जो ऑप्टेंट मैट्रिक्स आया है उसको हम क्या मान ले रहे हैं जो पूरे टर्म को। ठीक है, देयरफोर A इक्वल टू हम क्या लिख सकते थे P प्लस Q लिख सकते हैं क्या, और P हमारा देखिए तो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, P का अगर ट्रांसपोज करिएगा तो आपको इसी के बराबर आ जाएगा, और इसका ट्रांसपोज आप करिए तो माइनस ऑफ दिस के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेयर यहां पर लिख दिया है वेयर P इज अ सिमेट्रिक एंड Q इज एस्क्यू सिमेट्रिक ठीक है, तो A इज इक्वल टू हमारे पास P मैट्रिक्स कितना आ चुका है, ये हो जाएगा 2, 1, 1, 4 प्लस Q हमारा क्या आ चुका है 0, 2, 0, 2, -2 और 0। तो ये सिमेट्रिक ये एस्क्यू सिमेट्रिक
ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ए को हम क्या करते हैं, सेमेट्रिक और स्क्यू सेमेट्रिक के क्रम में एक्सप्रेस कर चुके हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो वो इम मैट्रिक्स आपको रिजल्ट दीजिएगा। देखिए जो ऐड लेकर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, 2 + 0 = 2, 1 + 2 = 3, 1 - 2 - 1, 4 + 0 = 4। देखिए तो क्या ये ए मैट्रिक्स है, यानी 2, 3 - 1, 4 ए मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी ए मैट्रिक्स को साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक्स के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो 3/3 ऑर्डर का होगा, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स ए रहता है जिसका एलिमेंट है -1, 5, 1, सेकेंड रो का एलिमेंट है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 0, 9, 7, 0, 9। इस मैट्रिक्स ए को भी क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम जानते हैं क्या, We know that A is equal to क्या होता है 1/2 times of A plus transpose of A plus 1/2 times of A minus transpose of A, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, transpose of A चाहिए ना, तो transpose of A बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो किसमें चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड कॉलम में। चलिए आ गया, अब हमें इस वाले पार्ट का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। दैट मींस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है हमारे पास। तो ए कितना है, -1, 2, 7, 5, 3, 0, 1, 4, 9। प्लस कर देना किसे, ट्रांसपोज ऑफ ए को, -1, 5, 1, 2, 3, 4, 7, 0, 9, 7, 0, 9। ऑप्टेन मैट्रिक्स क्या हो गया, -1 + 1 - 1, -2, 5 + 2, 7, 1 + 7, 8, 2 + 5 = 7, 3 + 3 = 6, 4 + 0 = 4, 7 + 1 = 0 + 4 = 4, 9 + 9 = 18 हो जाएगा। ये हमारे पास ऑप्टेन हो गया ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। पर आपको लाना क्या था, 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इंप्लाइज 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1, 7/2, ये 4, ये हो जाएगा 7/2, 3, 2, 4, 2, 9। ये हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स हो गया। अब हमें क्या लाना था, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। तो A मैट्रिक्स कितना है, -1, 2, 7, 5, 3, 0, 1, 4, 9। इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है किसे, ट्रांसपोज ऑफ ए को, इस वाले मैट्रिक्स में। दैट मीन -1, 2, 7, 5, 3, 0, 1, 4, 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, -1, -1, ये प्लस हो जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, 5 - 2, 3, 1 - 7, -6, 2 - 5 - 3, 3 - 3, 0, 4 - 0, 4, 7 - 1, 7 - 1, 6, 0 - 4, 4, 9 - 9, that means
जीरो। अब यहां से हमें क्या निकालना है, वन बाय टू टाइम्स ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, जो किसके बराबर हो जाएगा, इस हर एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, वन बाय टू से इंटू, या फिर हम कह सकते हैं टू से डिवाइड। तो जीरो बाय टू जीरो, थ्री बाय टू हमारा क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू माइनस ऑफ थ्री, और ये हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू, ये जीरो, टू ये हो जाएगा थ्री, टू और ये हमारा क्या हो जाने वाला है, जीरो। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, फोर माइनस ऑफ जीरो फोर, जीरो माइनस ऑफ फोर, यहां पर माइनस फोर होता है, जीरो माइनस फोर है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस टू आएगा। चलिए ठीक है, अब देयरफॉर इस पूरे टर्म को हम क्या मान ले, पी मान ले, इस पूरे टर्म को क्या मान ले, पी मान लेते हैं, और इस पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं, क्यू। देयरफॉर ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, और पी हमें कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, देखो तो ये एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, तो इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आता, ये दोनों एलिमेंट चेंज करता तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एलिमेंट चेंज करता है तो ये दोनों भी क्या इक्वल है, और ये दोनों एलिमेंट आपस में चेंज करता है ट्रांसपोज होने के बाद, तो ये दोनों भी एलिमेंट क्या है, इक्वल है। दैट मींस ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, जीरो है, जो एलिमेंट आपस में इंटरचेंज करता है सेम है और विद अपोजिट साइन, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां लिख देते हैं वेयर P is a symmetric matrix, symmetric, and Q is skew symmetric. तो A is equal to P, हमारा क्या मैट्रिक्स आ रहा है, ये आ रहा है ना, माइनस वन सेवन बाई टू, माइनस वन सेवन बाय टू, फोर सेवन बाय टू, थ्री टू, थ्री टू, फोर टू नाइन, ये आ रहा है। प्लस क्या करना है, क्यू प्लस करना है, क्यू हमारा ये मैट्रिक्स है ना, दैट मीन्स क्या है, जीरो थ्री बाय टू माइनस थ्री, माइनस थ्री बाय टू, जीरो टू थ्री माइनस टू और जीरो। चलिए अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप ऐड कर चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या कर चुके हैं, ए को सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, बात समझ में आई स्टूडेंट। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर जितने भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते थे उन सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को हम डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। आपके पास जो भी टेस्ट बुक हो आप उनसे अच्छे तरीके से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो या फिर डाउट हो तो उस वाले क्वेश्चन को आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, थैंक यू।